आराम से जी काम भी करी। मैं तो कल भाई आए बाबू भाई आवे भाई आओ मारा गाना मारो भाई तो आए ही को नहीं मार के भाई पार्टी छोड़। मैं तो पार्टी कौन छोड़ सका, मैं तो देखो सीधी है पार्टी छोड़ी है तो अगला छोड़ी क्या छोड़ी वो तो मैं की खेत का भाई ने ढाणी और वर्ल्ड में नाम इंडिया को ये और उसको अगर वोट नहीं देता है हम उसको निधन होते। अब मैं कहूँ तू मेरे कणो दे दे तो आ भी आग लो कैस कहेगा तू दे दे मेरे कणो। हाँ सही है। ये नाम क्यों लिया को मन ना करा जो एथलीट है उसको अगर टिकट दी गई है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो एक मैसेज वाली ने कदे आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना रह दिया कदे भी कोई बॉर्डर पर जाके कोई मिले हो नहीं है फौजिया के बीच सीधो मोदी में बात करे जाके बिन अड़ीक नहीं कौन पेंसिल करी ने सीधो 5,000 को विश्व में प्रधान बन गई बाप ही रह गयो और तरफा तो कोई जाति का कौन एक तरफा तो ज्यादा लठ मार वर्ल्ड में नाम रोशन करो ने मैं रोशन करे। राम राम सा। अभी चुनावी यात्रा के मां आपा है यहाँ दांदू गांव तो दांदू गांव के मां जो को चौपाल है फिलहाल भी चौपाल में आपा पहुंच चुके हैं और ये जगह के लोगों की जी लोकसभा चुनाव पे के कुछ राय है भाई राय के बारे में आपा से बातचीत करांगा आपा मिलांगा हाँ से आपा से चर्चा में आप भी जानांगा की दांदू गांव का के कुछ मुद्दा रहना रहे के कुछ मुद्दा पे दांदू गांव का लोग है जगह वोटिंग करेगा इस बार कौन से है जगह नेता की राजनीति है भाई ज्यादा पसंद आ रही है कौन सी पार्टी का फेवर में जा रहे हैं कौन सी पार्टी का फेवर में कौन जा रहा है बस सारी चीज भी बातचीत करांगा आपा। तो जी चौपाल के मां एक जो पीपलगढ़ तो टाइप से जो गट्टो बने हुए बड़ भैया काफी सारा लोग चौपाल में बैठे हैं तो थे बना रहे हो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक मैं हूँ थारे साथ बनवारी कैमरामैन राहुल और थे देख रहे हो जलको चूरू। तो फिलहाल अपा ई चुनावी यात्रा में पहुंच गया आड़े जाए एकदम चौपाल में और आशा आप थोड़ी सी बातचीत कर ले। राम राम अंकल जी अपने चुनाव का जो माहौल चल रहा है तो क्या कुछ लाग रहा है दांदू का के रहो का माहौल। देखो जी दांदू में जो ये लाग रहा है की बीजेपी आगे हमेशा रही है बीजेपी रहेगी। अच्छा बीजेपी रहोगी आगे रहे कितनी बिकी कहनी नहीं कह सकते निश्चित रहेगी बीजेपी जी हमेशा बीजेपी आगे रहने से थारो मतलब जी विधानसभा चुनाव में भी लाल जी ने आगे निकले आगे निकले आगे निकले हमेशा आगे निकला हमेशा निकलो। हाँ जी कोई तो क्या कार्यकाल जी पीछे रहे हो बीजेपी को तो के कुछ लाग रहे हो कामकाज के हिसाब से। नहीं कामकाज बढ़िया है भाई खुद भाई पार्टी छोड़ मैं तो पार्टी कौन छोड़ सका मैं तो देखो सीधी है पार्टी छोड़ी है तो अगला छोड़ी क्या छोड़ी वो तो मैं तुम्हारे हिसाब में कैसा मैं वोटर हूँ मैं तो वोटर दिया तो वोट बीजेपी ने चाहे कोई भी खड़े हो आज झाझड़िया जी खड़े मैं झाझड़िया जी देगा। तो थाने के लाग रहे जी थे बोल रहे हो कि मैं पार्टी कौन छोड़ सका बड़ो भारी शब्द यूज कर रहे थे कौन छोड़ सका जब की कसम जी पार्टी छोड़ दी तो के लाग रहे थे। तो भाई तो बंग सोच भाई मारो सोच थोड़ी है मैं थोड़ी कस का बंग विचार अलग है मारो विचार भाई बस क्यों छोड़ दी बस तो मैं थोड़ी तो की टिप्पणी तो कर कौन सका मैं तो है कि पार्टी मुझे अगर कोई भी खड़े हो जाए किसी को ही खड़ा कर दो वो हमारे मंजूर है मैं तो भी पार्टी को साथ कौन छोड़ो पार्टी को साथ कौन छोड़ राम राम ताऊ जी राम राम जी राम खाने के लाग रहे तो पार्टी थोड़ी थोड़ी छुटाई गई भी तो हो रहा ना कहान कौन मिली ना मैं मिली तो भाई छुटाई तो गई वापड़ा मां के छोड़ी वापड़ा भाई मैं कोनी खड़ा हूं सुना तो के लगे फिर खाली टिकट खातरी पार्टी में रहेगी आदमी खाली टिकट खातरी पार्टी में रहेगी तो और क्या खातर है तो छुटा रहा थोड़ी अबे तो कहीं कोनी थे पार्टी निकल जाओ पार्टी छोड़ दोगे काम जाने तो बढ़िया कामकाज रहने के बाद में थाने के लाग रहे विधानसभा में तो खाली सीट जीती है एक बीजेपी जीते या नहीं जीते वो मेरे को नहीं बाकी काम करे हमारे गांव आबाद नहीं आए भी बहुत राहुल जी को हमारे काम तो कोई काम को नहीं है 10 साल तो के लाग रहे अबकी बार राहुल जी ने देगा फिर तो टेम बताऊंगा फिर टेम बताऊंगा भाई है। अच्छा अच्छा मैं तो कल भाई आए बाबू भाई आवे भाई आओ मारा गाना मारो भाई तो आए ही को नहीं मार कर अच्छा थे भी झाजड़िया हो गए झाजड़िया तो वोट पक्को जानो चाहिए फिर मारे पक्को ही है मारे वोट ने कौन छेड़ा है मारे वोट ने कौन छेड़ा है भाई तो देखो जात बात तो सगड़ी सेठ भी फटती आई है सह ठाकरे भी वोट कौन दी सह झाजड़िया भी वोट कौन दी जातिवाद तो सदा ही आई है तो राठौड़ जाट से इसका भेड़ा बैठा और मैं तो कोई चुनाव अभी मैं कौन कहा तू किने देसी तू किने देसी मैं तेरे कहा तेरे जैसे भी नहीं देते भी नहीं देते भाई कोई दबाव तो है नहीं जी को मैं कह तू मेरे कणों दे दे तो अभी आग लो कैसे कहेगा तू दे दे मेरे कणों। हाँ सही है। ये नाम क्यों लिया को मन ना बड़ा जी मन के लाग रहे दो आदमियों पर बंटियों के चुनाव दो आदमियों पर नहीं है ये चुनाव ये हमेशा कसमा जी जो परिवार इनके माता पिता है वो हमेशा बीजेपी को साथ में रहे आज ये समय पर किसी कारण से कोई टिकट नहीं दी गई है तो एक मैं तो ये मान के चलता हूँ कि एक दिव्यांग जो एथलीट है उसको अगर टिकट दी गई है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो एक मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी जाएगा। मोदी जी की जो सोच है वो ये नहीं है कि किसी एक व्यक्तिवाद की परिवारवाद की हो। अब आज मुख्यमंत्री जी बनाया है तो वहां को नाम ही को नहीं हो पहली बार एक महीना यार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया तो मैं तो मेरी तो सोच यही है पर्सनल कि झाझड़िया जी को वोट देना चाहिए। लेकिन कुछ जो फैसले लिए हैं मोदी जी ने वो देश के लिए बहुत बढ़िया फैसले जैसे
जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद 335 हटा देना, तो उससे देश के लिए मतलब बहुत फर्क पड़ेगा देश के ऊपर। अच्छा, आप आर्मी से रिटायर हो? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा, के पोस्ट पर आप? मैं ऑनरेडी कैप्टन से हूँ, सरदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, अभी 5 साल हुई मुझे रिटायर। अभी ताऊ जी फौज से हो गए थे के पोस्ट पर? मैं तो आया, मैंने 35 साल होगी उल्दारी तक आया। अच्छा, उल्दारी तक आया। थाने के लाग रही है कि मोदी सरकार फौजान अब की बार जी बता रहे हैं कि ज्यादा। देखो जी, सबसे अच्छा मैं एक ही बताना चाहता हूँ, मोदी आने के बाद में एक तो सबसे ये कि जो भी कोई सरकार रही कदे आर्मी ने छूट को दी। मैं यहाँ देखता कि आर्मी कदे अपने अंडर में नहीं ले ली, तो मोदी के एक तीनों सेना ने बुला के कह, मैं तो कठे भी गेड़ो हूँ पर कोई जरूरत हुए तो एक ईंट मारता है तो पत्थर ओटो पत्थर ईंट को जवाब मतलब तुरंत एक्शन लो, क्योंकि मैं बोलूंगा छे करोगा तुरंत करया करो। और सबसे आदेश अच्छो मानू मोदी आर्मी के लिए सब कुछ करे। जहाँ दिवाली ने कदे आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना रह दिया, कदे भी कोई बॉर्डर पर जाके जाके कोई मिलियो नहीं है, फौजिया के बीच में रहता है, मनोबल बढ़ रहा है। एक मान लियो एक जवान हुआ है कितो के प्रधानमंत्री आपने बीच में बढ़िया बात माना, ए वन रैक वन पेंशन हमारी अच्छो फायदो दियो। क्यों थारी पेंशन पेंशन कितनी बढ़ गई आने के बाद? एक आने के बाद में मेरे को मिलती ने दे वन रैंक वन पेंशन करी ने सीधो 5,000 को बेसिक में फर्क पड़ियो। 5,000 को फर्क पड़ियो? हाँ, तो भी मैं डीए भी लगा तो फर्क पड़ियो ने, पहली बहुत फर्क हो माने फायदो मिलियो, बहुत फायदो मिलियो। पहली को रेड हो जो मनमोहन सिंह 10 साल रहा तो मैं करियो को नहीं वन रैंक वन पेंशन वालों के बाद में मोदी आता ही वन रैंक वन पेंशन वालों करियो। जहाँ नाइक हो बिन होलदार की मिली, इस हिसाब से सिपाही हो बिन नाइक की मिली, इस हिसाब से मतलब अप एक रैंक अप कर दी तो बिन फायदो हो कोई लेर को एरियल भी मिली। भाई थोड़ी है कई दिन से दियो भी लाख खंड रुपया तो वह मिलिया सागे सागे भाई 5,000 रुपया को आगे मिलता फिर आगे औरू थोड़ो रेड़ो वो भी करियो है जो दोबारा औरू वो एरियल आ गयो। तो थारो कहना मतलब फौजा ने थोड़ा ढंग से छूट दी है और छूट भी दी है फायदो भी दी है फायदो दिए। मैं तो ये मानना कि मोदी जी से आज प्रधानमंत्री आज तक तो आयोग नहीं। और जी हाँ ताऊ जी, आपने काका श्री थे के काम धाम करया करो काम कर जय भाठा को काम करो तो थाने के लाग रही है कि थारो के कुछ मानो है कि कौन सी सरकार ज्यादा बढ़िया रही होगी? कौन सा बीजेपी ने जीता? विकलांग आदमी देश के लिए गोल्ड मेडल लेके बिन मतलब पूछ नहीं जरूरत कोनी, सीधो मोदी में बात करे जाके बिन अड़ीक नहीं की जरूरत कोनी। थाने के लाग रहे कि जी झाझड़िया जी ने कोई राजनीति अनुभव तो आज कोनी एकदम नया नया है तो के काम कर लेगा? हां मजा ही कर लेओ, क्यों कर लेओ तो के कुछ लाग रहे झाझड़िया जी जीते बाद में आपने दांदू गांव के लिए या आपने सेकावाड़ी किसान के लिए करो? किसान के लिए के वो किसान आदमी है, खेती खड़ी आदमी है, खेत में चना पड़ता है फोटवारी तो वो समझेगा गरीब आदमी की क्या समस्या है। किसान तो राहुल जी भी किसान ही है। किसान ये राहुल जी अपना दादा परदादा बनेड़ी थोड़ी है उम्र की नहीं सीटा कहीं लागू होगी कदे आज माई प्रधान बन गई बाप ही रह गई और अब बेटा टिकट मिल गई टिकट कटता ही काट गया नाराज हो गया अन टिकट बस हटा गया तो मतलब तो हिसाब से तो फिर जिन्हें टिकट मिले भी नहीं जैसी है। बस आम तो चाट जी सीधी बात और किन चल जाएगा अब की बार कांग्रेस काट देगी जी ना और किन चल जाएगा तेरह बजे जाऊंगा राम राम जी थे भी झाझड़िया जी हो वोट झाझड़िया जी देखो कसो जी ने एक तो कॉल दे रही हो मेरी माँ को जवा ले गया। अच्छा वोट दिलवा लेंगे तो क्या किने जीता रहे हो आपकी बार? मैं तो देवेंद्र झाझड़िया ने। देवेंद्र जी ने जीता रहे हो? आधो आधो होगो जहाँ दोनों जाट है तो या फिर एक तरफा जाओगा अकेला करो? एक तरफा तो कोई जाति का कौन जाए एक तरफा तो ज्यादा एक झाझड़िया का ज्यादा झाझड़िया करने जैसी। अच्छा तो जी हाँ पीछे कसमा जी को काम काज किसो को लागो थाने पिछले 10 साल में कोई आपने दांदू के लिए कोई बंको आस पास में कोई काम करवाया हो कोई काम तो उसका कितने काम है जहाँ मान लो शुरू माँ की ट्रेन दस ऑटोमेटिक जगह दस कर जगह काम कराए और सारो बहुत ही करे काम तो एक किसाना खातर का मुआवजो दिलायो मैं जमीन से जुड़े आदमी हूँ तो दूसरे तहसील कौन दिलायो थारे मुआवजो मुँह जो आगे मारे पहले आयो अब तो कोई मुआवजा आपको नहीं आयोगी के लाग रहे देवेंद्र जी जीत जाओगे तो क्या कुछ काम हो उसके जहाँ नहर की बहुत बड़ी बात बोल गया तो क्या आ जाएगी के लाग पाइप पड़ गया ना मारा पड़ गया पाइप पड़ गया आगे पाइप पड़े चालू ही करना वैसे चालू ही करना है पाइप 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 टूंटी भी लगा गया करा पर पानी नहीं पुगे मीठा पानी है टूंटी लगा गया घर भी लगा हर घर घर टूंटी आ गई है टूंटी लगा दी सिर्फ सप्लाई स्टार्ट नहीं हुई है हर घर में लाइन लगी है सब जगह गया दिया अच्छा केंद्र की तरफ से पाइप आया गया घर घर कनेक्शन हो गया हां घर घर कनेक्शन हो रहा है हर घर में तो ये पाइप कहां बच्चा पड़ गया बच्चा जोड़ना है अच्छा जोड़ना है बाकी वाले वाले लगेगा जुड़ेगा लाइन चली गई है वहां टंकी लगा पोल बटन जोर से ने घर में वो पानी आ सके ये नजदीक है 5 किलोमीटर गेंगे सर टंकी से वो पानी सप्लाई से पानी आओगा राम राम ताऊ जी राम राम के लाग रहे थाने थे किन जीता रहे हो देवेंद्र भाई जी देखो लठ मार जीता वो वर्ल्ड में नाम रोशन करियो ने मैं रोशन करे तो कसमा जी को कामकाज किसो करे कसमा आपको ड्यूटी में ड्यूटी रहे बन गयो और आप कोई नुकसान भी कौन करे तो कोई लाभ भी कौन लाभ है क्या मेरी टिकट काटने के पीछे कोई रीजन को नहीं मैं तो किसानों को इतना काम करो मुआवजो बड़को आ रहा लिया
तीन बरतो और है दो बरे अब खानदानी लिखोड़ है पूरी फैक्ट्री कमाई है वर्ल्ड में जो नाम रोशन किया है दुनिया में सितारों चमके है अभी आदमी वोट नहीं रहे तो हम तो उसको अच्छा नहीं समझ। अच्छा तो थाने के इलाके जी एक है मैं रेलवे ट्रैक का और सड़क का रहे भी बहुत सारा काम करवाया है चुरू थोड़ा बहुत नए कहें चुनाव कहें थोड़ा बहुत उपनाव नए गठे हैं तो बोलने की तो थाने के लाग रहे हैं चुनाव होता है अभी एक ही चीज में क्या कुछ लाग रहे हैं बीजेपी पर यहाँ आरोप लगाया जाओगे बीजेपी तो खाली हिंदू मुसलमान की राजनीति करे मुद्दा पे बात कौन करे मुसलमान मुसलमान करे तो हिंदू भी कर लेता भी मैं के कोई बड़ी बात है कसवा जी कह मैं तो गरीबों को नेता हूँ हाँ क्यों कहे वो देवेंद्र तो करोड़पति है वो तो है देखो एक विकलांग डाणी अरे वर्ल्ड में नाम इंडिया को ये अरे उसको अगर वोट नहीं देता है तो हम उसको नीचे समझते वो अब उसकी वो अच्छा कर रहा है तो अच्छा ही करेगा अच्छा ही करेगा किसान की जरूर सुनेगा कसवा जी कौन सुन रहे किसान की जैसे मकान बनाए हुए स्कूल में कमरों बना दिए कमरों बनाए फर्स्ट क्लास आराम से जी काम भी करे और आवाज में कोई बुरा भी कौन करे भला भी कौन करे ठीक है आपको काम करे आपको काम अच्छा।